तो भाई ऊपर सफाई कर रहा है और ये बर्ड देखो मेरी कहाँ पे आके बैठ गई। तो मेरा चैनल खोलने का मेन रीज़न आपको मतलब चीज़ें बताना नहीं है, ठीक है। मेरा चैनल खोलने का मेन रीज़न था वो आपको मुर्गे दिखाना अच्छे से डेली। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गए एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज थोड़ी सी टॉपिकों पर बातें करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। मतलब मेरा मन कर रहा था खुद ही बात करने को कि बताऊँ अपने चैनल के बारे में क्या क्या सीन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो यार ये रे अपने बच्चे, ठीक है सारे। यार भाई बोल रहे ना कल इसने मुर्गी ने अंडा नीचे ही दे रखा था, तो बोल रहे मैंने देखा नहीं, तो अंडा बोल रहे यहाँ पे पड़ा था वो सामने जो ये जो दिख रहा है ना ये, एक सेकंड, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक वो दिख रहा है ना चप्पल का, बोल रहे यहाँ पे पड़ा था। मैंने कहा यहाँ पे तो हो नहीं सकता, वो होता तो गेट खोल रहा था जब मैं उस टाइम पर टूट जाता, पर आज भी इसने अंडा नहीं दे। देखते हैं अपनी जो ऊपर मादी है वो कौन सी थी, हाँ बाजरी, उसने अंडा दिया कि नहीं दिया उसका भी देखना है। बाकी ये भी बाहर घूम रहा है, इसको यार देसी भगाता रहता है क्योंकि छोटा है ना ये बच्चा है अभी, इसलिए। तो मैं ये बोल रहा था ग्रुप के बारे में और मेरे चैनल के बारे में, मोस्टली चैनल के ऊपर जो मतलब सीन था ना कि मैं ज़्यादातर मतलब सिर्फ मुर्गे ही क्यों दिखाता हूँ, मैं कोई टिप्स के ऊपर वीडियो नहीं डालता या कोई दवाइयों के ऊपर, क्योंकि यार मेरे को अपना चैनल वो नहीं बनाना ना कि जो आज बंदे आ रहे हैं और वो उस चीज़ के लिए वीडियो देख रहे हैं सिर्फ, उसके बाद चैनल नहीं देख रहे। मेरे को नॉर्मल चैनल रखना है जैसे व्लॉग होते हैं, और मैं दवाइयाँ वगैरह ग्रुप में बताता रहता हूँ अपने, ठीक है, सब्सक्राइबरों को। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताता हूँ, बस मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जो मेरा चैनल है वो मेरे को ऐसे रखना है कि जैसे व्लॉग वगैरह होते हैं ना और बर्ड्स वगैरह दिखाता हूँ मैं डेली अपने, मेरे को वो चीज़ रखनी है, ठीक है। तो आप लोग भी बताना ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, जैसे मैं अभी आपको शौक कर रहा हूँ। मेरा मन है कि यार मैं डेली बस आपको ऐसे मुर्गों का शौक कराऊँ जैसे आप जो लोग रख नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको मन होता है ना डेली अपने मुर्गे देखने का, तो उनके लिए मैं ये चीज़ें व्लॉग बनाता हूँ ऐसे कि जिसमें मैं डेली सेम मुर्गे दिखाता हूँ ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई मेरे पे रखे हुए हैं ऐसे, समझ रहे हो। कहाँ गए बाकी बर्ड्स अपने? तो कल तो आ गए थे भाई, इसका अंडा मतलब कल आ गया था, तीसरा अंडा दिया है कल इसने, तो अभी इसके तीन अंडे हैं मेरे पे, आज इसने फिर नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे भी अंडा इसका है नहीं, मेरे को दिखा नहीं, झाड़ियों का मेरे को कुछ पता नहीं है, बाकी मेरे को लग भी नहीं रहा कि झाड़ियों में अंडा देगी ये इतना छुप छुप के। बाकी अभी देखते हैं, शायद से कल दे दे वापस से, जो भी होगा आपको बता ही दूंगा जैसे भी होगा। बाकी इस पट्टे की तो अपनी अपन ने कराई नहीं कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था यार मुर्गे नहीं थे सबके मुर्गे, मतलब जिसके पास हैं उसकी छुट्टी नहीं थी, तो वो मंगलवार को बोला था और कल मंगलवार है, कल देखते हैं वो आएगा तो उसका शौक वगैरह करेंगे अपन, वरना तो घूम ही रहा ही है अपना बढ़िया मस्ती में। तो ये वाली पट्टियाँ भी अपनी यार बढ़िया जवान हो गई, मतलब जवान नहीं मतलब ये वाली पट्टी ने तो बढ़िया ग्रोथ कर ली है वाइट लैग वाली ने, ठीक है। हल्की चोरस चोरस इसकी फटियाँ दिखती हैं, मतलब भड़क मारती है पर है नहीं, लगता ही है। तो और ये भी पीले डंडों में, ये थोड़ी साइड में छोटी है पर वो वाइट वाली सही हो रही है, मतलब अपनी नाटी से ऊंची हो गई वो, और कद निकाल जाएगी आराम से वो। एक और चीज़ भाई, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने इसके भाई की फ़ोटो भेजी थी ये, मतलब अगर मतलब जैसे ये वट्ठा है ना, जैसे इससे पहले मार्शल था और इसकी जैसे मतलब इसका जो पहला भाई था ना, जो पहली झोल का भाई था, उसकी वीडियो डाली थी मैंने ग्रुप में, जो सेम इसके जैसा है, चेहरा मोरा भी इसके जैसा है इसके भाई का, सेम लैग स्टाइल, सेम नलियाँ, सेम चेहरा, बस केसर तो आपको पता है मुर्गों की बड़ी होती है, बाकी सेम था, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है, तो जिसको नहीं देखा होगा वापस से मेरे को बोल देना, मैं भेज दूँगा वीडियो। सारे परिंदे बाहर निकाल दिए भाई, देखो कैसे लगे हैं घास खाने, एकदम से दौड़ के आते हैं भाई घास को देख कर, देख लो। उसे देखो भाई फिर लग गया आज मिट्टी में, पूरी मस्ती लेती है भाई मिट्टी में ही, गर्मी है ना क्योंकि मिट्टी में घुलने से ना इनको ठंडक मिलती है, तो ये पूरी ठंडक के मजे लेती है बाद में भी जैसे ही खुलती है ये। इनको ये नहीं खाने देना, चल उधर, चल 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 चल। तो भाई ऊपर सफाई कर रहा है और ये बर्ड देखो मेरी कहाँ पे आके बैठ गई,
तो भाई सारे बर्ड्स को ऊपर ले आया मैं, ठीक है। तो वो काली है ना जो जिसके पीले डंडे हैं, वो नीचे कूद गई थी, तो जो साथ वालों का देसी है ना वो उसके पीछे पड़ गया भाई। अपना जो छोटे वाला चीन है भाग के गया, जो उसके एक मारी है ना सीधा, दो घर छोड़ के ना वहाँ पे जाके रुका सीधा। वो बहुत तंग करता है इसको, आज उसने दे ही दिया फिर मज़ा। तो मेरे यार बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि यार मुर्गियाँ मुर्गे दाना नहीं खा रही, ठीक है। मेरे वाले बर्ड्स भी नहीं खा रहे थे दो तीन दिन से, आज ये खा रही है जब इसको भूख लगी है प्रॉपर, ठीक है। इनको आदत ही होती है यार, मतलब झाड़ में भी जब होते तब भी थोड़ा वगैरह कभी कभी कम खाते हैं, ठीक है। वैसे ही किसी मुर्गों को आदत ही होती है, जैसे हमारा चीना भी है एक दो दिन खाता नहीं फिर तीसरे दिन पूरा पोटा फुल करता है, तो ये किसी मुर्गों को आदत होती है, ठीक है। जो नहीं खाते तो मत खाने दो, कोई सीन नहीं है, बंद कर दो भाई, अपने आप शुरू हो जाएंगे खाने। आपको ना यार इस पट्ठे के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मतलब इसके भाई जो अभी मतलब बने हैं ना वो उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं कह रहा था भाई इसका जो चेहरा ना, इतना सा चेहरा बिल्कुल, ठीक है, इतना सा चेहरा, इतना लंबा, बस देख लो कितना है, इतना लंबा चेहरा और इतनी सी नोक, मतलब समझ लो भाई जो फुल कील वाले बर्ड्स होते हैं ना उसने बना पड़ा है। अगर ये कहीं और छूटा होता ना अभी तक तो भाई पता नहीं कैसा हो रखा होता, एकदम ज़बरदस्त होता। जो अभी इसके बच्चे हैं, मतलब दो इसके भाई या बहन जो भी होंगे, वो जो दो बच्चे बचे हैं अभी, देखते हैं उनमें से मतलब क्या सीन है, क्या नहीं, क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, ठीक है। वो तो उस दिन आपको मैंने दिखाई कितने छोटे छोटे, अभी तो जब बनेंगे तब पता लग जाएगा। तो भाई अभी नीचे गया था मुर्गी बिठाने, मुर्गी कॉल रखी थी आपको जैसे कि पता है, उसको बिठा दिए। अभी ऊपर वाले लास्ट रह गए, देखते हैं कौन कौन से रहते हैं, फिर उनको भी खिला के बंद करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। हैं कितने ला दे। तो ये खुले हैं और छोटा चीना भी खुला है और ये मादी खुली है लास्ट, बस बाकी डन है सब। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखते हैं शायद से कल अपन अपने छोटे चीने का शौक करवाने लेके जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लेके गया तो आपको पता लग जाएगा थंबनेल से, अगर नहीं लेके गया तो नहीं पता लगेगा।